देखिए भैया, मुझे मेरे हिस्से की जमीन चाहिए बस। कल को मुझे पैसों की जरूरत पड़ी तो कौन देगा? अरे एक बात बताइए, कभी शेर भर अनाज भी दिया है आपने? खुद आते हैं और लाद कर लेके जाते हैं। हम क्या भीख मंगे हैं जो लाद कर ले जाते? भैया कई साल तक मैं घर भी नहीं आया, ये सोचकर कि आप परेशान होंगे, भाभी परेशान होंगी, बच्चे परेशान होंगे। और मेरी शादी में जो खर्चा किया था वो आपने नहीं किया था, मेरी पढ़ाई लिखाई पर जो खर्चा हुआ था वो आपने नहीं किया था। माँ बाबू जी छोड़ कर गए थे उतना मेरे लिए। हर बात का एहसान दिखाते हैं आप। मैं शहर गया था इसलिए कि अपने परिवार के लिए कुछ कर सकूं, लेकिन आपने आपने हमेशा मेटा है मुझे, हमेशा मेरे दर्द को दूसरों को बोला है। एक नालायक भाई समझते हैं ना आप मुझे। मैं आपसे अलग होना चाहता हूं बस। मेरा भी परिवार है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मुझे मेरे हिस्से की जमीन दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा यहां से। और देखिए, अगर मेरे हिस्से की जमीन भैया मुझे ना मिली तो आप जानते हैं मैं कोर्ट कचहरी तक जा सकता हूं, मैं केस कर दूंगा आपके खिलाफ। भाभी आप बीच में मत बोलिए, मेरे और भैया के बीच की बात है, हम दोनों सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन आप मत बोलिए। तो भैया मुझे मेरे हिस्से की जमीन दे दीजिए, मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मैं चला जाऊंगा और कभी जीवन में वापस ना आऊंगा। बस इतनी उम्मीद है आपसे।